अस्सलाम वालेकुम जी। अपना गेन हैगा जी स्ट्रॉबेरी का विजिट, तो यह हैगा धीटा मोड़ अमरीत के रोड। तुहानूं एक साइड इफेक्ट दिखावां स्ट्रॉबेरी का, तो यह हुंदा है पत्तियां दा ते गलोरां दा साइड इफेक्ट, जिहड़ा बाद च जिम्मेदार कहिंदा हुंदा साडा जी फ्रूट मोटा नहीं बन रहा टाइम नाल। यह हुण टंडल कढ़े ने, लेकिन इहदे ते फ्रूट जिहड़ा बनना आ जां बनेगा अगे जाके वह बिल्कुल स्लोली सुकून ना आराम ना, ते उहदा साइज़ कोई नहीं बनना। स्ट्रॉबेरी दे विच सब नूं ज़्यादा साडी जिहड़ी मेन चीज़ यही हुंदी आ कि स्ट्रॉबेरी दे उत्ते असीं जिहड़ी भी स्प्रे या कुछ भी करना ना वह बड़ी एहतियात नाल करना पैना आ। हुण इह जिहड़ा अंदरों फल जिमीदार भाई ने कहा सी कि जिहड़े साडा बन बन सुकन दिया आ गलन दिया आ तुहानूं करवाने विजिट। यह देखो हुण इह भी चीज़ां तुहानूं चेक कराईए, यह फल अंदर तैयार होया स्ट्रॉबेरी का, अंदर सुकन दिया आ। हुण मेन पॉइंट इहदा ही हुंदा कि फल असी गलोरा मार मार के खड़ा कर लैने इस तरह। यह हुण स्ट्रॉबेरी है, यह फल सारा जिहड़ा उत्ते नूं खड़ा ना, इह नाल इही होणा आ कि ठंड की वजह तो उत्तों ये कम पैन लग पैना आ। जदों ठंड ज़्यादा पेगी वेखो सड़न दिया फल। यह चीज़ यह जिहड़ा फल जिहड़ा हुण ठंड की वजह तो उत्तों स्ट्रैस आएगा, कोरा हल्का जहा भी पै गया, यह सारे का सारा फल सड़ जाना, यह बैक हो जाना, उन्ना बैक चल जाता। यह चीज़ देखो यह खड़ा आ, हुण इहनूं तोड़ के दिखाना तुहानूं। जिहड़ा फल इस तरह सूरज की तरफ उपर वाली साइड ते मूँह करके खड़ा होएगा रोशनी की तरफ, जिस टाइम उपरों हवा ठंडी क्रॉस कोई भी चीज़ होएगी कोरा पेगा वह डायरैक्ट क्रॉस इस फल के उत्ते होएगा, उहदी वजह तों डैमेज हो जाएगा। इस वजह तो कही दा हुंदा है कि कोई भी स्प्रे आने लगी है, देखो ये बेर लगे ने। स्ट्रॉबेरी का साइज़ बनाने वास्ते बड़ी मेहनत चाहिए होंगी है, तो हौसला भी चाहिए होंगे, आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्लो फिर ही होंगे सारा कुछ है। हुण जिन्ना फ्रूट है सारा साइड इफेक्ट सिर्फ यही होया गलोर का जबरैलिक एसिड का, इन्ह का साइड इफेक्ट होया फल लगा आ, लेकिन जिहड़ा सड़न दिया आ गलोर मार मार के सड़न दिया सारा। फल लगा माशाल्लाह बड़ा ज़्यादा आ, लेकिन ख्याल करया करो कोई भी स्प्रे मार दे जो दा साइड इफेक्ट भी देखिया करो। यह देखो यह उपर हुण रोशनी की तरफ आ, लेकिन यही जिहड़ा पौधा होएगा फल जिहड़ा होएगा इहदे विच होएगा थले वह साफ आ बिल्कुल तंदुरुस्त आ। इहदा सड़न का मकसद भी यही है कि जिहड़ा उत्ते रोशनी तरफ है वह सारा सड़ रहा है। तो बाकी तुहाडे नाल इंशाल्लाह स्ट्रॉबेरी दे जिहड़ी नैक्सट वीडियो आउंदियां जाणगियां वह तुहाडे नाल। यह देखो हुण पौधा सारा ये डैमेज होण दिया विचों, ये अक्सर स्योंक हुंदा आ थले जिहड़ी पानी ज़्यादा होवे नमी दे दिए थले पौधे दे विच आ जाए उहदी वजह तों फंगस लग के गलना शुरू हो जाता। फल वाली स्टेज ते इहनूं फंगस वाला जिहड़ा थले कम से कम कोई ना कोई चीज़ फ्लड करनी चाहिए है डबल डोज दे नाल, क्योंकि पौधा साडा बड़े 70-80 हज़ार दी तादाद नाल लगा हुंदा आ। तो लिहाजा कोई भी अपनी फसल है उहदा ख्याल करिया करो, तो बार बार मर्ज़ यही करदा कि उहदे विच विजिट करिया करो अपनी स्ट्रॉबेरी दे विच। फसल कोई भी लाई प्याज लाया कोई भी फसल लाई उसे विजिट करके रखिया करो। तो यह साइड इफेक्ट अज का हैगा सी फिर जी तुहानूं दिखाया गलोर का जबरैलिक एसिड का ओवरडोज का स्प्रेवां का, तो लिहाजा इन चीज़ों का ख्याल करया करो। फल लगा आ माशाल्लाह बथेरा लगा आ, लेकिन ये यही चीज़ है कि तुहाडा जिहड़ा फ्रूट उपर वाली साइड पर आ हुण ठंडी की वजह तो सड़ना शुरू हो गया, तो इन चीज़ों का ख्याल करया करो। ये चीज़ा जिहड़ियां हुंदियां ना ये नुकसान दिंदियां जिमीदार वास्ते, तो चुनाई होण दी आ बीबियां शीबियां लगियां चुनाइयां करन दीआं फ्रूट शरूट उतर रहा, तो यही फसल जिहड़ी हुंदी आ साडी गाले दी सबब बनदी आ। वेखो यह गाला एवें दी गाल वाली जिहड़ी चीज़ वह चुनाई करके फसल दे विचों उखाड़ के बाहर सुट देनी चाहीदी आ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਾਊਡਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰੇਗੀ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕਰੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਫਸਲ ਲਗਾਓਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਮਸ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਪਰੇਵਾਂ ਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਤਿਆਤੀ ਤਦਬੀਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਪਰੇ ਨੂੰ ਓਨੀ ਕੁ ਸਪਰੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਪੌਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।